हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 18 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निहाल सिंह को राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा, यह किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है बरेली, सी है बस्ती और डी है झांसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आगरा। आगरा में जान हथेली पर रखकर मौत के मुंह में फंसे लोगों को बचाने वाले निहाल सिंह को जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा। उन्होंने पानी में कूदकर बस में फंसे 17 यात्रियों को बाहर निकाला था। और ये जो जीवन रक्षा पदक होता है ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला होता है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, जिसके तहत 25,000 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा और 5,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और इसके साथ ही एक पदक भी दिया जाता है। और दूसरा होता है उत्तम जीवन रक्षा पदक, इसमें पदक के साथ साथ 15,000 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा और 2,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और तीसरा होता है जीवन रक्षा पदक, जिसमें पदक के साथ साथ 10,000 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा और 1,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो जो निहाल सिंह है इन्हें जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये तीनों प्रकार के जीवन रक्षा पदक होते हैं। ये हैं निहाल सिंह, जो कि आगरा के एक किसान हैं और इन्होंने जो अभी कुछ दिन पहले यूपी के आगरा एक्सप्रेसवे पर 8 जुलाई 2019 को एक बस हादसा हुआ था जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी। और वहीं पे निहाल सिंह ने बस का शीशा तोड़कर ये अंदर घुसे थे, क्योंकि जो बस थी वो रेलिंग को तोड़कर के एक नाला था जिसमें गिर गई थी। और उसके बाद निहाल सिंह जो थे वो पानी में कूदे और वहाँ पर उन्होंने बस का शीशा तोड़ करके 17 लोगों की एक एक करके बाहर निकाला और इससे उनकी जान बचाई। तो इसी बहादुरी के लिए निहाल सिंह को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो जीवन रक्षा पदक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1961 को जीवन रक्षा पदक की शुरुआत की गई थी। और ये जीवन रक्षा पदक जो है वो भारत सरकार द्वारा ऐसे नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जल में डूबते हुए या आग में या खानों में बचाव कार्य के दौरान जीवन की रक्षा की हो, तो ऐसे व्यक्तियों को ये जीवन रक्षा पदक दिया जाता है। तो ये यूपी के आगरा जिले के हैं निहाल सिंह, जिन्हें जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में गोवर्धन योजना शुरू की गई, इसका शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए है कृषि मंत्रालय, बी है जल शक्ति मंत्रालय, सी है पर्यटन मंत्रालय और डी है वित्त मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने बुधवार को गोवर्धन योजना के लिए एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना है। पहले चरण में यह योजना लखनऊ, वाराणसी और ललितपुर जिले में लागू की जाएगी। और ये जो गोवर्धन योजना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो गोवर्धन योजना का पूरा नाम है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। इसका पूरा नाम क्या है? गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ये इस योजना का पूरा नाम है। और ये जो योजना है गोवर्धन योजना, ये गोबर, कृषि अपशिष्ट, रसोई घर के कचरे आदि को कंपोस्ट, बायोगैस व बायो सीएनजी में बदलने का लक्ष्य रखती है। और बायोगैस से खाना पकाने और लाइटिंग के लिए ऊर्जा मिल सकेगी, इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। और ये योजना जो है गोवर्धन योजना, इसे पशुओं के गोबर, जो भूसा होता है अपशिष्ट, और पत्ते इत्यादि को कंपोस्ट, बायोगैस व बायो सीएनजी में बदला जाएगा इस योजना से। यानी कि सबको मिलाकर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन सबको मिलाकर के बायोगैस तैयार करना, यानी गोबर गैस तैयार करना इस योजना का उद्देश्य है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया व्यापार मंडल द्वारा दुकानदार बीमा योजना की शुरुआत कहां से की गई? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है सहारनपुर, सी है वाराणसी और डी है लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। वाराणसी जिले में रविवार को व्यापारिक संगठन फेम ने दुकानदार बीमा योजना की शुरुआत की। इस दौरान 5 बीमा धारकों को पॉलिसी बॉन्ड देकर बीमा का शुभारंभ किया गया। अब ये वाराणसी में की गई, तो वाराणसी के बारे में थोड़ा जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा उत्तर वाहिनी कहां पर बहती है, तो वाराणसी में गंगा उत्तर वाहिनी बहती है। और वैसे पूरे भारत में गंगा का बहाव पश्चिम से पूरब की ओर है, और वाराणसी को ही बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी में है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि जैन घाट है, दशाश्वमेध घाट है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, और 3 बड़े विश्वविद्यालय भी काशी में हैं। कौन कौन से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और तीसरा है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये भी वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए है एससीएल टेक्नोलॉजीज, बी है इंफोसिस, सी है विप्रो और डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एससीएल टेक्नोलॉजीज ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता किया। संधि के भाग के रूप में एससीएल आईआईटी कानपुर के एक विशेष साइबर सुरक्षा केंद्र C3I हब के साथ कार्य करेगा। कानपुर के साथ एक समझौता किया गया है, तो SCL टेक्नोलॉजीज ने IIT कानपुर के साथ ये समझौता किया है। किसको लेकर के? साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, बी है अमेरिका, सी है चीन और डी है रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने एक ऐसे कार को मंजूरी दी है जो आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। इस कार को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो टेरा फुगिया ट्रांजिशन इस कार को बनाने वाली कंपनी का नाम है। कार अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसी के साथ ये दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बन गई है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है कि दुनिया की पहली उड़ने वाली कार किस देश में बनाई गई, तो अमेरिका में बनाई गई, और किस कंपनी ने बनाई, तो टेरा फुगिया ट्रांजिशन कंपनी ने बनाई है। टेरा फुगिया द्वारा तैयार इस व्हीकल को उड़ने की अनुमति अभी सिर्फ पायलटों और फ्लाइट स्कूलों को दी गई है। ये कार हवा में ट्रैफिक, खराब मौसम और प्रतिबंधित एयर स्पेस से बचाव करने में भी सक्षम है। और ये जो कार है ये हवा में भी उड़ सकती है और जमीन पर भी चल सकती है। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है उड़ने वाली कार। उड़ते समय ये इस तरह से दिखेगी और जब ये जमीन पर होगी तो ये इस तरह से दिखेगी। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है किरण बेदी, बी है राम नरेश यादव, सी है सत्यदेव नारायण आर्य और डी है फागू चौहान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। किरण बेदी को 16 फरवरी 2021 को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया। उनकी जगह तेलंगाना के राज्यपाल तमिलीसाई सौंदर राजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किरण बेदी को 29 मई 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो पांडुचेरी की उपराज्यपाल कौन थी अभी तक? किरण बेदी, और इन्हें 16 फरवरी 2021 को हटा दिया गया है। और पांडुचेरी के अब राज्यपाल कौन होंगे? तो तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं तमिलीसाई सुंदर राजन, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेलीविजन अकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है सुनील ग्रोवर, बी है शशि रंजन, सी है मनीष पॉल और डी है एकता कपूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एकता कपूर। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम अवार्ड प्रदान किया गया है।
उन्होंने टेलीविजन, बॉलीवुड, ओटीटी हर जगह अपने कंटेंट को प्रोवाइड कराया है। एकता कपूर का जन्म 19 जून 1975 को हुआ था। वे एक भारतीय टेलीविजन प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। उन्होंने 2017 में ऑल्ट बालाजी को लॉन्च किया था और उन्हें साल 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी है राजनाथ सिंह, सी है नितिन गडकरी और डी है निर्मला सीतारमण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्रों के निवासी नागरिक समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ई छावनी परियोजना का उद्देश्य 62 छावनी वार्डों में 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करना है। तो आपको याद रखना है कि ई छावनी पोर्टल की शुरुआत किसने की है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारत एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण शुरू करेगा जो कितने किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमान को गिराने में सक्षम होगी? ऑप्शन नंबर ए है 160, बी है 120, सी है 140 और डी है 180। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 160 किलोमीटर। भारत एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण शुरू करेगा जो 160 किलोमीटर की सीमा से दुश्मन के विमानों को गिराने में सक्षम होगी। एक्स्ट्रा मार्क के लिए परीक्षण 2021 की दूसरी छमाही में शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए है यू मायुंग हे, बी है अमीना मोहम्मद, सी है गोजी ऑनकोजो इवेला और डी है नादिन मोहम्मद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोजी ऑनकोजो इवेला। गोजी ऑनकोजो इवेला विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक बनी। उनका कार्यकाल 1 मार्च 2021 को शुरू होगा। वे एक विकास अर्थशास्त्री हैं और पूर्व में नाइजीरिया के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है। तो विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? गोजी ऑनकोजो इवेला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये थे 18 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, किस देश की धाविका बियट्रिस चेपकोएच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, केन्या। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है आंध्र प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।